नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, अलवर कृषि उपज मंडी में इस समय हम मौजूद है, जहां पर लगातार सरसों की जो आवक है वो देखने को मिल रही है। जहां देखो मंडी में उधर सरसों ही सरसों के ढेर नजर आ रहे हैं। कल सरसों के जो भाव थे वो 5100 रुपए थे, आज सरसों के भाव में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 5200 रुपए के आज भाव देखने को मिल रहे हैं। जहां तक सरसों की बात है, लगातार जो सरसों है वो आसपास से लगातार किसान भाई जो है मंडी में लेकर के पहुंच रहे हैं। यहाँ से जो सरसों है वो मिलों में जा रही है, वहाँ तेल तैयार हो रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ जो व्यापारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से सरसों आ रही है, क्या क्या भाव है, क्या है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू भाई प्रधान है, मैं इस व्यापार मंडल का सदस्य हूँ और अलवर कृषि उपज मंडी में अनाज मंडी में मेरा कारोबार है। मंडी में प्याज की आवक, सरसों की आवक इस टाइम पूरी बनी हुई है और इन दिनों में आज 5200 रुपए 42 कंडीशन के आधार पर माल बिके हैं। सरसों की कंडीशन उसके तेल के आधार पर होती है, एक क्विंटल में 42 किलो तेल जब निकलता है उसके आधार पर रेट तय होती है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल बाजार आज 4200 रुपए 42 किलो तेल का 5200 रुपए के बाजार है। इन दिनों में नई सरसों आ रही है तो इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, नमी के आधार पर माल बिकते हैं। आज अधिकतम माल जो है वो 4600 से लेकर 5200 रुपए तक बिके हैं। हिंदुस्तान में अलवर और भरतपुर जो है वो मस्टर्ड सरसों का बड़ा उत्पादक जिला है, इस वजह से यहाँ पर आवक भी ज्यादा है और हमारे यहाँ पर तेल का एक बड़ी इंडस्ट्रीज है जो तेल में इसका इस्तेमाल होता है। सरकार के द्वारा अभी सरकारी खरीद चालू नहीं की गई है, इसलिए ज्यादातर माल जो है वो मंडियों में आ रहा है, उसको किसान को बेचने के लिए इसलिए मजबूर होता है क्योंकि किसान को पैसे की आवश्यकता होती है। सरकार अगर समय पर खरीदारी चालू कर देगी तो उनको एक वाजिब दाम मिलेंगे। 5400 रुपए के लगभग सरकारी MSP है, उम्मीद है कि शीघ्र शायद कुछ और भी बढ़ रही है, अगर वो बढ़ती है तो लाभ मिलेगा और अगर जल्दी खरीद नहीं हुई तो किसान को नुकसान होगा। किस तरह की क्वालिटी की सरसों? सरसों बहुत बेहतरीन आती है, अलवर की बहुत अच्छी सरसों होती है जिसकी लैब जो है 41-42 तक की लैब जाती है। हिंदुस्तान में अलवर की सरसों जो है वो अच्छी सरसों मानी जाती है, झाक होता है, पंजनी होता है, पूरा तेल की मात्रा होती है और यहाँ का मस्टर्ड केक पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, जो खल जिसे हम कहते हैं जो पशुओं के चारे में काम आता है। इसमें दो भाग होते हैं सरसों के अंदर, एक भाग तेल में चला जाता है, एक भाग इनका खल में चला जाता है। तेल इंसानों के खाने काम आता है, खल जो है पशुओं के खाने काम आती है और अलवर का एक बड़ा क्षेत्र जो है वो सरसों के आधार पर है, किसानों का भी और व्यापारी। अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार के बाद में कुछ बढ़ोतरी और भी ऐसा नजर आता है कि सरसों का सीजन में सभी चीजों की बाजार स्थिर हो जाती है, उसके बाद बाजार बढ़ेंगे, लेकिन सरकार की नीतियों के आधार पर किसान कमजोर हो रहा है। आने वाले समय में अगर सरकारी खरीद होती है तो निश्चित तो पैसा बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी हमारे यहाँ पर किसान जो है वो लगभग आज हमारी मंडी 20,000 कट्टे के लगभग की आवक है। अभी और कोई जींस नहीं आ रही है? अभी कोई और जींस नहीं है, अभी इन दिनों में जिन लोगों के पास पुराने गेहूं है वो बेच रहे हैं, लेकिन अभी जो है सरसों आएगी, उसके बाद गेहूं आएगा। मंडी में इन दिनों में काफी मात्रा में सरसों आ रही है, अभी रेगुलर चालू है।